दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज जमात में शामिल होने आए लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। मरकज में शामिल होने वालों की लगातार पहचान हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों की पहचान के लिए सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद कन्नौज की एक मस्जिद में ऐसे ही 11 लोगों के होने की सूचना प्रशासन को मिली, जिसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। निजामुद्दीन से आए सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। बता दें कि कन्नौज जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि दिल्ली के निजामुद्दीन से मरकज जमात में शामिल होने के बाद कुछ लोग कन्नौज आ गए हैं। शहर के हाजी गंज मोहल्ले की एक मस्जिद में कुछ लोग 21 तारीख से रुके हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर सदर SDM शैलेश कुमार और CO श्रीकांत प्रजापति डॉक्टर टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जब पूरी जानकारी की तो मालूम हुआ 20 मार्च को निजामुद्दीन से कालिंद्री एक्सप्रेस से करीब 11 लोग कन्नौज पहुंचे थे। सभी शामली जिले के रहने वाले हैं। कन्नौज में आए थे, किस तरीके की जांच की गई यहाँ पर? ये जांच जो ये लोग 11 लोग आए हुए हैं शामली से होके निजामुद्दीन से 20 तारीख को पहुंचे थे, वहाँ पे 21 तारीख को कालिंद्री एक्सप्रेस से कन्नौज आए थे। तब से लेके यहाँ ठहरे हुए हैं मस्जिद में, और इनकी ये सूचना तक मिलने पर हम लोग टीम, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम इनके सब चेकअप करने आई थी। अभी तो फिलहाल कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग नॉर्मल पाए गए। इनको कड़ी निहायत दे दी गई है, अगर किसी प्रकार का कोई सिम्टम आता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताएं। तो इनसे क्या मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं? तो निजामुद्दीन में काफ़ी केस मिले हुए हैं, इसलिए सस्पेक्टेड हम लोग कर रहे हैं। तो इनको क्या यहाँ पे मरकज में आइसोलेट किया गया? आइसोलेट नहीं किया गया, अगर कोई सिम्टम आते हैं इनको तो इनको तुरंत क्या कहते हैं आइसोलेट किया जाएगा। इसी तरह जमात में हिस्सा लेने गए रामपुर के भी 5 लोगों की पहचान हुई है। 5 लोग 18 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन से रामपुर आए, उसके बाद टांडा थाना क्षेत्र में दूर दूर से लोग इनसे मिलने पहुंचे। ये सूचना जब प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने वहां मौजूद 34 लोगों को क्वारंटाइन किया। इनकी सभा में बुलंदशहर, अमरोहा और बदायूं से 29 लोग आए थे, जिन्हें सेल्फ क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं निजामुद्दीन से रामपुर पहुंचे इन 5 लोगों का परीक्षण कर टांडा की CHC में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जमात में, अभी उन लोगों को जो उनके मौलाना साहब थे उन्हें बुलाकर उन लोगों को सबको CHC बुलवाया गया है। तो कुल 29 लोग आए हैं जो विभिन्न 3 शहरों से आए हैं, बुलंदशहर से, अमरोहा से और बदायूं से। तो इन 3 शहरों से जो है लोग आए थे, 29 लोग जमात में ये सब लोग, और इसके अतिरिक्त 5 लोग जो हैं वो निजामुद्दीन से आए हैं वाया देवबंद होते हुए। तो उन सब जितने 34 लोग हैं उन्हें CHC लाया गया है, उनकी जांच हो रही है, सबके नाम, नंबर, पते नोट कर लिए गए हैं। उनमें से जो 29 लोग हैं उन्हें 20 दिन या 1 महीने से ऊपर समय हो चुका है, तो उन्हें सेल्फ क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। जो 5 लोग निजामुद्दीन से आए हैं उन्हें 12 दिन हो चुके हैं, क्योंकि वो 18 तारीख में आए थे, तो उन्हें क्वारंटीन में यहाँ पर CHC के जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं उनमें रखा जा रहा है। 2 दिन उन्हें रखा जाएगा, 14 दिन कंप्लीट होने पर उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।